वेरी गुड भाई, सेक्सी। ऐसा ऐसा नजारा कहीं नहीं देखा मैंने। द कॉस्ट ऑफ मरीन पार्क या फिर कह लीजिए सफारी पार्क कंबाइंड पैकेज अगर मिलाया जाए तो वो पड़ता है, अगर आप काउंटर पे लो तो 1500 बाट का। लेकिन हम तो इंडियन हैं और इंडियन ऊपर से बनिया, तो मैंने अपना दिमाग लड़ाया कि भाई सस्ता पैकेज कहाँ से मिलेगा। 1500 बाट पर पर्सन था और उसके बाद फिर 300-350 बाट लगते होटल से टैक्सी में जाने के। इंटरनेट पे सर्च करा, आई फाउंड अ वेबसाइट कॉल्ड club.com और वहाँ पर से मुझे पैकेज मिला सिर्फ और सिर्फ 800 बाट का। जी हाँ, 800 बाट का। आफ्टर बुकिंग द टिकट्स आप काउंटर पर जाओगे, वहाँ पर आपको दो ब्रोशर मिलेंगे। वन ब्रोशर विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन अबाउट सफारी वर्ल्ड, मरीन पार्क, सुविनियर शॉप, गिफ्ट शॉप, ये वो रेस्टोरेंट, एवरीथिंग। लेकिन वो आपके काम का नहीं है, जो आप फाड़ के फेंक दोगे ना। जो दूसरा ब्रोशर मिलेगा वो आपको मिलेगा मैप, ब्रोशर नहीं मैप होगा वो पूरे के पूरे मरीन पार्क और सफारी वर्ल्ड का। उसके अंदर बेसिकली आपको 6 शो दिखेंगे, दैट इज स्पाई वॉर, स्टंट शो, बॉक्सिंग शो, बर्ड शो, डॉल्फिन शो और सी लाइन शो। एक जो शो नहीं लिखा होगा वो होगा एलिफेंट शो। एलिफेंट शो और कॉबो शो या फिर स्टंट शो लगा लीजिए, दोनों एक ही टाइम पे थे, तो वी थॉट वाई नॉट स्किप द स्टंट शो, बिकॉज हमने वो वाला शो सिंगापुर में देख लिया। अभी हम लोगों को वहाँ सिक्योरिटी पे रोक लिया गया था, बिकॉज मेरे DSLR में एक माइक है और कमर्शियल यूज के लिए दे डोंट अलाउ अस। वी रीच देयर एट 10 AM इन द मॉर्निंग और ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए अगर आप 9 बजे जाओगे तो वहाँ पर टाइगर फीडिंग होती है, तो आप टाइगर फीडिंग सुबह सुबह मॉर्निंग में बगैर भीड़ के कर सकते हो। तो वी रीच दैट 10 AM इन द मॉर्निंग और 10:20 का शो था और रैंगो टैन शो, बॉक्सिंग शो जो कि लिखा हुआ था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया था। तो वी थॉट वाई नॉट टेक द सी लाइन शो, हम बड़े सी लाइन शो की तरफ। और जो भाई जो मज़ा आ रहा था ना वहाँ पर, ऑन अ सीरियस नोट, इतने क्यूट सी लाइन्स थे वहाँ पर, इतने क्यूट सी लाइन्स रिंग्स के ऊपर कूद रहे थे, नमस्ते, क्लैपिंग, एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन, इट वॉज टू मच ऑफ फन। ना जो ओरंगोटैन शो था, दैट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट, मतलब बॉक्सिंग देखी और जो वो बंदर की ओरंगोटैन की जो एंट्री थी ना भाई, लाजवाब थी। जिप लाइन से पीछे से जूम करके आगे की साइड आया है और बस मज़ा आ गया उसको देख के। एंड द फनी पार्ट वॉज दैट के वहाँ पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ ओरंगोटैन को लड़ाई करवा रहे थे, इट वॉज टू मच फन, क्योंकि वहाँ पर वो ओरंगोटैन्स आपस में मस्ती भी कर रहे थे। एडल्ट मस्ती भी चल रही थी और वैसी ही मस्ती चल रही थी, बैंकॉक आया तो एडल्ट मस्ती तो यू नो कॉमन है। ऑल्दो रैंगोटैन के साथ हम पिक्स नहीं खिंचवा सके उस टाइम पे, बिकॉज एक थोड़ा सा इशू मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप मरीन पार्क जा रहे हो तो वहाँ पर ना बीच में बहुत बहुत सारे शोज़ एक साथ रनिंग करते हैं, तो मतलब एक के बाद एक शो आता रहता है और आपके पास कुछ और देखने का टाइम नहीं है, तो इसीलिए देर आर अराउंड 6 एक्चुअली तो 7 शोज़ हैं, एक शो एक साथ चल रहा होगा, 6 शोज़ मान के चलिए आप। लेकिन आप 6 के 6 अगर देखोगे तो और जो पार्क में अट्रैक्शंस है ना वो आप नहीं देख पाओगे, इसीलिए व्हाट वी थॉट टू स्किप 2-3 शोज़ टू सी व्हाट आर द अदर थिंग्स इन द पार्क। ना आफ्टर वॉचिंग द ओरंगोटैन शो हम गए एग वर्ल्ड की तरफ। एग वर्ल्ड के अंदर जैसे कि अगर आप लोगों ने जुरासिक पार्क देखी है, जुरासिक पार्क में वो एग्स दिखाते हैं अंडे कैसे डायनासोर में कन्वर्ट हो रहे हैं, एवरीथिंग वॉज सिमिलर लाइक दैट, मतलब बिल्कुल जैसे मूवी के अंदर दिखाते हैं बिल्कुल रियल में था, बस डायनासोर के एग्स की जगह पैरट्स के एग थे, तो इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी।
और नायरा के लिए तो खैर छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हो जैसे वीडियो के अंदर, मतलब एग्स कैसे कन्वर्ट होते हैं छोटे छोटे बेबीज में और उसके बाद वो धीरे धीरे करके कैसे पूरे के पूरे पैरट में कन्वर्ट कर हो जाते हैं, पूरा का पूरा दिखा रखा था। इट वॉज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग फॉर एनी वन हु हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दैट। उसके बाद वी हेडेड टूवर्ड्स द एलिफेंट शो। देर वर अराउंड 5 to 7 एलिफेंट्स जो कि वहाँ पर अलग अलग टाइप के स्टंट्स कर रहे थे, छोटे से इतने से, मतलब दूर से तो इतना ही दिख रहा था, लाइन पे चल रहे थे, मतलब इट वॉज रियली 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 वेरी अम्यूजिंग टू सी दोज एनिमल्स स्टंटिंग। ऑल्दो आई नो वो ट्रेंड होते हैं और बहुत उनके साथ गलत व्यवहार भी करा जाता है, बट इट वॉज रियली वेरी अम्यूजिंग टू सी दोज एनिमल्स डूइंग सच अ थिंग। That painting is for sale at 750 baht. 750 baht is a video painting. If you want to buy it, tell me. Now we saw the white lion also, although cage ke andar tha, lekin इतनी पास से इंडिया में तो हम कहीं नहीं देख सकते एक्सेप्ट दीज फॉरेन कंट्रीज। ना उसके बाद आता है मेरा फेवरेट पार्ट, दैट वाज द मिनी वर्ल्ड। ऑल्दो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, सिर्फ मूवीज में देखा था, देख ही लीजिए ना। तो आई एम इन दिस मिनी वर्ल्ड और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ऑसमनेस है, बहुत सारे कलरफुल बर्ड्स अभी हाथ पे आने वाले, मुंह पे आने वाले, सर पे आने वाले, तो बहुत सारी बर्ड्स आपके हाथ में आ रही हो और मज़ा आ रहा हो आपको, तो ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। ऑल्दो उनको बर्ड्स को अपने हाथ पे बिठाने के लिए वी हैव टू बाय इट्स फूड ऑल्सो, और जो फूड था वो था 80 भाट का। वेरी गुड भाई, ऐसा नज़ारा कहीं नहीं देखा मैंने, मेरे तो कम आई है। और कन्नू के उसमें जब माई वाइफ शूटिंग द कैमरा राइट ना, उसके ऊपर तो भाई बहुत सारी बर्ड्स आ गई थी, बहुत सारी बर्ड्स। आई एम बर्ड्स अट्रैक्टिंग यू नो बाय गॉड, कंधे पे बैठ, मेरे तो कंधे पे भी नहीं बैठ रही है। अभी हम गए थे मिनी वर्ल्ड और ये मैडम को बहुत मजा आया वहाँ पर, मैं ही लेकर गई थी इनको भी, जबरदस्ती लेके गए थे। और अभी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स जिराफ फीडिंग सेंटर। वैसे देखने लायक दे आर सो मेनी स्पीशीज आउट हेयर, बहुत सारे बर्ड्स केजेस में हैं बिहाइंड मी, मतलब कोई गिनती नहीं है भाई, गिनती नहीं है, एक की जगह तीन दिन लगा दो, ध्यान से देखना चाहते हो। लॉट्स ऑफ पैरट्स बट यार सारी चीज़ें तो कवर नहीं कर सकता ना। लुक आई शो यू येलो बर्ड्स, मैंने कभी लाइफ में नहीं देखे होंगे भाई। दिस वॉज द सेकेंड मोस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, बिकॉज हम लोग गए उसके बाद जिराफ फीडिंग सेंटर पे। आई हैव बीन फाइंडिंग दिस जिराफ फीडिंग सेंटर फॉर लास्ट 20 मिनट्स, पूरा का पूरा घूम के आ चुका हूँ और अब जाके मिला, डैम हैप्पी टू सी। अब जिराफ को भी खाना खिलाएंगे भाई, और वहाँ पर उनको जिराफ को खाना खिलाने के लिए वी हैव टू पे अराउंड 100 भाट, एक बकेट ऑफ बनानास वो डाल के दे देते हैं और फिर आप उनको खिला सकते हैं। दीज आर एनिमल्स विच आर वॉन्डरिंग अराउंड द एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया प्रोवाइड कर रखा है और वो कहीं भी कैसे मर्जी जा सकते हैं, बहुत नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करा गया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही देखा था कि जिराफ को ऐसे खाना खिला सकते हैं, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट एनकाउंटर विद द जिराफ। आज तक मैंने जिराफ नहीं देखे थे। और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप 100 भाट के अंदर एक बकेट ऑफ बनानास ले सकते हो और उनको खिला सकते हो विद द स्टिक ओनली,
और जो जिराफ जहाँ पर स्टे कर रहे हैं वो नेचुरली मतलब बहुत तरीके से मेंटेन कर रखा है जैसे एक जंगल ही हो, बिकॉज दे आर स्टेइंग इन सफारी वर्ल्ड और हम थे मरीन पार्क में। और जो सफारी वर्ल्ड है वो आप आगे देखोगे तो पता चलेगा आपको कि सफारी वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे एनिमल्स ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं, बस अलग अलग जगह पे, वहाँ पर किसी आदमी की एंट्री नहीं है। एंट्री भी है तो बस हम लोगों की एंट्री है जो कि एक बिल्कुल बंद बस के अंदर जाते हैं, कोई आदमी ऐसे निकल के नहीं जा सकता ना। इसके बाद जो मेरा फेवरेट, सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला भाई, सबसे ज़्यादा, ना सेकंड ना थर्ड ना फोर्थ, सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला पार्ट था ऑरैंगोटैंग्स के साथ फ़ोटो खिंचवाना। ये वैसे मुझे पता नहीं था वहाँ पर ऐसा कुछ होता है, कन्नू को पता था, वो पूरा सर्च करके आई थी, शी इज़ अ एनिमल लवर, और पूरा का पूरा सफारी मरीन पार्क उसने पूरा का पूरा छान मारा था भाई कि कहाँ पर ये जानवर मिलेगा और कहाँ पर इसके साथ हमने फ़ोटो खिंचवानी है। यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम ऑल्सो, यहाँ पर कहीं आ रहा होगा, वहाँ पर आपको लेटेस्ट पिक्स मिल जाएंगी जो भी मैं डालता रहता हूँ, बिकॉज यहाँ पर वीडियो एडिट करने में टाइम लगता है और वहाँ पर फटाफट हो जाती है। तो मरीन पार्क के अंदर हमने फाइनली ऑरैंगोटैंग्स ढूंढ लिए और इट वाज अराउंड 1000 बाट पूरी फैमिली के लिए, उन्होंने पूरा शूट वूट करा और मेरे पास एक्चुअली कैमरा था तो फिर मैंने अपने DSLR से वीडियो भी शूट कर ली और उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा। Now that was a complete पैसा वसूल thing. अगर हम लोग इतनी दूर फ्लाइट पकड़ के इतना पैसा लगा के जा रहे हैं तो why not take pics और पैसे थोड़े से और लगा के उनके साथ मज़े करे जाए। इसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है भाई इतने बड़े बड़े पैरट्स, ऑल दो 700 भाट लगे फॉर द फैमिली, 500 भाट फॉर पर पर्सन था, फैमिली के उन्होंने 700 भाट मांगे हमसे, और 700 भाट के अंदर ना मतलब जन्नत थी जन्नत, इतने बड़े बड़े पैरट्स हाथ के ऊपर बैठे थे भाई, आज तक ना मतलब कभी पेड़ पे भी देखने को नहीं मिले इससे बड़ा पैरट, वो भी ग्रीन कलर का, और कलरफुल पैरट्स अपने हाथ पे बैठे हैं, तो एक्सपीरियंस ही लाजवाब था, और लाजवाब था तो मतलब लाजवाब था, देख लो खुद ही। बहुत सारे शोज़ कर लिए हैं, एक हमारा स्पाई शो बाकी है और पैरट शो हम मिस करने वाले हैं शायद।